हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और इस वीडियो में हम दिसंबर एडिशन योजना का करने वाले हैं, जो कि एक भारत सरकार की ऑफिशियल मैगज़ीन है, जहां से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो फैक्ट्स होते हैं वो इस योजना से पूछे जाने की संभावना रहती है। ये वीडियो आप तक लेकर आया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस दिसंबर 2018 जो टॉपिक है मंथ का वो है डिजिटल इंडिया, जहाँ पर आपको जितने भी आर्टिकल रहते हैं वो मेंस के फॉर्मेट में प्रिसाइज पॉइंट के साथ आपको मिल जाते हैं, जिसमें वे फॉरवर्ड, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखने को मिलता है। इसमें हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भी बात करेंगे, उसके कुछ प्रीलिम्स फैक्ट और कुछ मेंस के फैक्ट, और किस तरह से एक स्टेट साइबर स्पेस किया यूज करके किसी इलेक्शन में और करप्शन में यूज कर सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, ये बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में रशिया का जो हैकर्स हैं उन्होंने हेल्प की है। तो इस तरह से हम कुछ अपने मेंस आंसर के लिए एग्जांपल भी क्रिएट करेंगे, आपके वो प्रिसाइज पॉइंट यहाँ पर देंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी वीडियो की PDF रहती हैं और दूसरे स्टडी मटेरियल रहते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको ये डिस्कशन जो वीडियो और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एस्पिरेंट UPSC और दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं 2019 के लिए, 2018 के लिए, जो UPPCS या दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज की मेंस के लिए टेस्ट सीरीज होती हैं, हर पूरा कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलती है और गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगी और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 1 करते हैं। टॉपिक है टुवार्ड्स एन इंक्लूसिव एंड एम्पावर्ड नेशन। देखिए, पूरा आर्टिकल इसमें रहने वाला है, ये आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं अपने UPSC के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। सब टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट। तो ये हमारा आर्टिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये रविशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, खुद ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के। तो पूरा ये जो टॉपिक रहने वाला है, आर्टिकल रहने वाला है योजना का, वो उसका कीवर्ड मैंने लिखा है, मेंशन किया गया है। देखिए, कभी कभी हम आर्टिकल समझ तो लेते हैं, पूरा हमको नॉलेज भी हो जाती है, बट किस मेंस के क्वेश्चन में वो फिट होता है उसके लिए मैंने कीवर्ड भी लिखा हुआ है यहाँ पर। कभी IT से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेंस आंसर में इस तरह से अपना इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, देखिए टुडेज़ जो हमारे इंडियंस की IT इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी IT कंपनीज़ हैं, वो देश के पूरे वर्ल्ड के देशों में 80 कंट्रीज़ में 200 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उनकी प्रेजेंस अभी देख सकते हैं कि हमारी जो पूरे देश में 80 कंट्रीज़ हैं उसमें से 200 सिटीज़ में IT इंडस्ट्री की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब आगे आपको ये लिखना है कि जो इंडस्ट्री, हमारी IT इंडस्ट्री की ग्रोथ पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, इसको हम क्लासिफाई करेंगे 3 फेजेस में। जैसे हमने ये पूरा मेंस फॉर्मेट में ही बनाया है आपके लिए, तो इसी तरह आपकी मेंस के आंसर में भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं, ये सेम ही प्रोसीजर, सेम ही फॉर्मेट, सेम ही लाइन रहेंगी, ताकि आपके एक प्रेजेंटेशन का, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा हो। तो 3 फेजेस में हमने IT इंडस्ट्री, जो भारत की IT इंडस्ट्रीज़ है, उसको क्लासिफाई किया है, पहली, दूसरी और तीसरी। फेज़ वन में जो हमारी IT कंपनीज़ हुआ करती थी और जो प्रोफेशनल हुआ करते थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर भारत में देखें तो उतना ज़्यादा उनको एक्सेस नहीं मिल पाती थी। तो वो क्या करते थे, पहला फेज़ हमारे IT इंडस्ट्री, देखिए ग्रोथ पढ़ लें कि हमारी IT इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हुई। अभी प्रेजेंट में देखोगे तो 80 देशों की 200 सिटीज़ में हमारी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जो IT इंडस्ट्रीज़ भारत से गई हुई हैं। ओके, तो पहला फेज़ यही है कि जो IT कंपनीज़ होती हैं और जो प्रोफेशनल पहले फेज़ में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, क्योंकि यहाँ पर उतनी एक्सेस इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। दूसरा फेज़, जैसे जैसे हम ग्रोथ देखते हैं, अब उसके बाद क्या होते हैं, ग्लोबल के जो IT जाइंट होते हैं वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने इंडिया में। देखिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। देखिए, आपका मोबाइल फोन्स इतना ज़्यादा, जैसे एप्पल का यहाँ पर देखने को मिलता है, या दूसरे सैमसंग भी अपना स्टोर खोल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुका है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है कंज्यूमर बेस, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर बेस बनता है। तो यहाँ पर दूसरा फेज इसलिए हुआ कि ग्लोबल जो IT जाइंट थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था भारत में इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब तीसरा फेज अभी प्रेजेंट का फेज चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी भारत सरकार है वो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है, जिससे कि IT कंपनी, जो IT प्रोफेशनल हैं, वो यहीं पर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और दूसरा इस्टेब्लिश करें। तो फेज़ थर्ड यही है कि थर्ड लार्जेस्ट, अब इनकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारी पॉलिसीज़ भारत सरकार की वजह से
भारत दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, कि यहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होते हैं, आईटी कंपनी जहाँ पर बिल्ड हो रही हैं कुछ ईयर्स में, ठीक है। चौथी अगर बात करें, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमने 2015 में लॉन्च किया था, और उसके बेसिस पे ये माना जा रहा है, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बढ़ने वाली है ट्रिलियन डॉलर बाय 2025 तक। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एंगल हमको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमने आईटी कंपनीज़ की ग्रोथ देखी। सबसे पहले हमारे जो आईटी प्रोफेशनल हैं, आईटी कंपनीज़ हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जाने लगे। फिर उसके बाद फेज टू में ग्लोबल आईटी जाइंट भारत में इन्वेस्ट करने लगे। तीसरा देखें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप अब बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, हमारे जो इकोसिस्टम क्रिएट करता है। आगे इसके साथ साथ सेंटेंस के साथ साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल डाटा भी फिट करना पड़ता है अपने मेंस आंसर में। तो ईयर 2017 और 18 में देखिए, न्यूमेरिकल डाटा आपके आंसर को एक अथॉरिटी देता है, यूपीएससी के चाहे स्टेट पीसीएस के, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल डाटा ये लिखेंगे डिजिटली और आईटी के बेसिस पे, कि 2017 और 2018 के बेसिस पे जो आईटी इंडस्ट्रीज से, आईटी सेक्टर से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो 167 बिलियन डॉलर हुआ। उसके साथ साथ जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, तो वो जो आईटी एक्सपोर्ट हुआ वो 125 बिलियन डॉलर का हुआ। तो ये एक तरह से आपके आंसर को अथॉरिटी देता है, कुछ रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया गया 167 बिलियन डॉलर आईटी इंडस्ट्री ने किया 2017 और 2018 में, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम एस्टिमेट लगा ही सकते हैं कि 2025 तक तो ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हमारी बन जाएगी, ठीक है। आपको ये हमने ये कहीं ऐसा नहीं दिया है, ये ऑफिशियली योजना में मेंशन है। देखिए यहाँ पर आप अपनी योजना में पेज नंबर 7 में मेंशन देख सकते हैं, इंडिया वाइब्रेंट आईटी इंडस्ट्री, इसलिए टैली कर सकते हैं अपनी योजना से। यहाँ पर दिया गया है कि ऑथर अपने पता ही हैं कि यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, और लॉ एंड जस्टिस के भी, ठीक है, भारत सरकार के। आगे ये हमने आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ देख लिया कुछ, ये आप प्रिसाइज पॉइंट आप एक ये हो सकता है कि आप पीडीएफ इसकी रिवाइज कीजिए, या हो सकता है कि अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। आगे अब क्या है कि मेन बॉडी के लिए आंसर, अब आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया कि आईटी से रिलेटेड आएगा, तो कुछ इस तरह से फेज में हम इंट्रोडक्शन देंगे। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का आप मेन बॉडी में लिखेंगे, क्योंकि जो आईटी सेक्टर में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा अगर देखें पार्ट देखने को मिलता है। इसको हम 5 कैटेगरी में तोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और आगे है 5। तो सबसे पहली कैटेगरी है डिजिटल इंडिया, डिजिटल आइडेंटिटी। अब डिजिटल आइडेंटिटी पता ही है, आधार कार्ड आपकी एक तरह से डिजिटल आइडेंटिटी है। आधार कार्ड कवर करता है 122 करोड़ आधार कवर कर रहा है। इतने लोग पीपल जो देश के 122 करोड़ की आबादी में लोगों के पास आधार कार्ड है। अब इसको डिजिटल आइडेंटिटी कैसे कहते हैं ये हम देखते हैं, क्योंकि ओवर 434 गवर्नमेंट सर्विसेज जो हो रही हैं वो आधार कार्ड को लिंक करके ही आपको डीबीटी के थ्रू दी जा रही है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। हर आर्टिकल में अभी देख हम ये फरवरी से पूरा दिसंबर तक योजना कवर कर चुके हैं, जिसने आपने देखी नहीं है वो देख लीजिएगा, जो कि ये सब योजना आपके मेंस के लिए हेल्पफुल हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हैं। इसमें हमने प्रीलिम्स की कोड भी मेंशन किए गए हैं। तो आप एक प्रिसाइज नोट, एक नोटबुक में आप पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक योजना के प्रिसाइज पॉइंट बना सकते हैं मेंस के आंसर के लिए, ठीक है। और हमने जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3 भी उसमें मेंशन किया है। तो डिजिटल आइडेंटिटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे मैं, जैसे हर आर्टिकल में जो योजना हमने कराई है उसमें सभी एक ही मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल है एलपीजी, एलपीजी में आप 1000 रुपये का सपोज सिलेंडर है तो आप कितने देते हैं, 1000 रुपीज़ देते हैं। अब आपका क्या है, बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक है, तो एक तरह से डिजिटल आइडेंटिटी के थ्रू आपकी जो अकाउंट में 200 रुपये या 300 रुपये वापस किए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसी को कहते हैं कि 434 गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी हैं जो लिंक होके आधार कार्ड से, जो ऑनलाइन डिजिटल आइडेंटिटी से लिंक होके आपको हेल्प पहुंचाती है, आप तक सर्विसेज पहुंचाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो इसको जैसे हमने कहा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को 5 बेसिस पे एस्पेक्ट में डिवाइड किया है, तो पहला हमने डिजिटल आइडेंटिटी कर लिया, दूसरा है भारत नेट। अब डिजिटल आइडेंटिटी के बेसिस पर भारत नेट बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये स्पीड जो इंटरनेट की है वो बढ़ाना चाह रहा है, और रूरल एरिया जितनी भी हैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसमें भारत नेट का यही एम है कि वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऐड करेगा, जिसमें कि डिजिटल इंडिया आईटी सेक्टर हमारी बढ़े और 2025 तक का ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम उस पाथ में चलें।
ठीक है। तीसरा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब देखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क डिजिटल इंडिया से कैसे कनेक्ट है, इसमें क्या होता है एक्सचेंज किया जाता है नॉलेज का किस में, एजुकेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च के बीच में, ठीक है। अभी ये तो क्या होता है वर्चुअल क्लासरूम होगी और हॉस्पिटल्स में भी ये यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर किसी का ऑपरेशन हो रहा है और सपोज ये USA है, ठीक है। अब सपोज USA के डॉक्टर यहाँ पर नहीं आ सकते, या अगर USA सपोज ये एक तो हॉस्पिटल के बेसिस केस समझ लेते हैं पहला, दूसरा केस समझते हैं यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमारे को अच्छी एक्सपर्टीज़ के लिए USA के यहाँ पर वहाँ वर्चुअल क्लास लगेगी और यहाँ मॉनिटरिंग उसकी की जाएगी, तो यहाँ पर से क्या होगा एक्सचेंज किया जा सकता है थ्रू डिजिटली। पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा भी यही हो सकता है, बहुत सारे पेशेंट का ऑपरेशन एडवाइस के साथ साथ कुछ अगर कोऑर्डिनेट किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, तो उससे भी ऑपरेशन किए जाते हैं। तो दूसरा ये आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन के बेसिस पे, मेडिकल के बेसिस पे, ठीक है। तीसरा कोई यहाँ पर USA में या चलो इंग्लैंड में कोई यूनिवर्सिटी है और यहाँ की फैकल्टी चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्हीं फैकल्टी से पढ़ें, वही चीज़ एक्सपर्टीज से पढ़ें, तो हम यहाँ पर वर्चुअल क्लास लेके यहाँ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो एजुकेशन में हेल्प करता है, हॉस्पिटल्स में हेल्प कर रहा है, प्लस जो लर्निंग एप्लीकेशंस हैं वो वर्चुअल थ्रो हो रही हैं, डिजिटल थ्रो हो रही हैं। तो तीन पार्ट हम कर चुके हैं। चौथा है GI क्लाउड मेघराज जिसे बोल जाते हैं, और ये एक्सेलरेट करता है ई सर्विसेज की डिलीवरी। अब देखिए बहुत सारी ऐसी होती हैं जहाँ पर GI क्लाउड क्या करता है, एक तो स्टोरेज कर सकता है, इसका एक एस्पेक्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। स्टोरेज कर लेता है बहुत सारी क्या करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक्सेस को। अब क्या करते हैं सिटीजन कभी कभी क्या होता है, एग्जांपल के बेसिस पे समझाऊंगा हर आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब क्या होता है बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ आपको डॉक्यूमेंट फिर फाइल सबमिट करनी पड़ती है, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, तब आपको डॉक्यूमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है या डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पा सकते हो। पर GI क्लाउड या बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जो सिटीजन है ऑनलाइन ही इसको एक्सेस कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। अब आगे पांचवा हम जो इसका एस्पेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का मेंस बॉडी के लिए आपके, कि ड्राइविंग लाइसेंस है उसका रिन्यूअल कराना है तो वो ऑनलाइन हो जाएगा। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर क्या है, देखिए एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने 10th 12th आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस को फीड कर सकते हैं ताकि आपको जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो कैरी ना करने पड़ जाए। ये अगर मेरे पास ऐप होती है तो दिखाता हूं मैं, eKYC नो यर कस्टमर eKYC। अभी पेटीएम में भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू अपनी KYC कर सकते हैं। इनकम बर्थ सर्टिफिकेट ये सब डिजिटली हो रहा है, ठीक है। डिजी लॉकर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे भारत नेट का हम कॉन्सेप्ट पढ़ ही चुके हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हम जोड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कितने कितने जून 2016 से इतने किलोमीटर तक लगा दी गई थी, फिर नवंबर 2018 में इतने तक किलोमीटर तक वो चली, ठीक है। आगे है जो मेन बॉडी है डिजिटल इंडिया फॉर बेटर गवर्नेंस। अभी हम बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ रहे थे इसमें, कि हमने पहले हमने कर लिया कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के चार डिजिटल आइडेंटिटी होती है, भारत नेट कनेक्टिविटी कैसे फैला रहे हैं, अब वो डिजिटल इंडिया जो है वो गवर्नेंस में कैसे हेल्प करता है, ये भी मेन्स बॉडी का पार्ट है। सबसे पहले जैम ट्रिनिटी, आपको पता ही है जनधन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया और आधार हो गया, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो आपको पता ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हेल्प से 32 करोड़ देखिए जनधन अकाउंट खोले हैं और उनके बेसिस में उनको DBT का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे वल्नरेबल पीपल्स ऐसे होते हैं उनको, देखिए वो LPG 1000 रुपये की खरीदते हैं तो उनके बैंक अकाउंट ना होने की वजह से उनको जो 200 रुपये का बेनिफिट मिलता है या 300 रुपये का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिल पाता है। तो यही फ़ायदा रहता है अगर डिजिटली या DBT या आधार हो तो, ठीक है। 32 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 121 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं और 122 करोड़ आधार हैं, तो डिजिटल आइडेंटिटी जैम ट्रिनिटी का ये हिस्सा है। और ये गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, करप्शन जो लीकेज होती है उसको दूर करता है। दूसरा इसका एस्पेक्ट है डिजिटल पेमेंट। देखिए डिजिटल पेमेंट के बेसिस पर आप भीम UPI का ऐप कर सकते हैं, जिससे आप पहले क्या होता था फिजिकली आपको मैन्युअली देना पड़ता था, अब डिजिटली आप एक दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं। दूसरा रुपे कार्ड इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, रुपे कार्ड इंडियन का पेमेंट गेटवे हम कह सकते हैं, कि जैसे आप एक्सेस करते हैं आपका जैसे किसी ATM कार्ड में वीज़ा होता है, मास्टर कार्ड होता है, और इंडिया का क्या है रुपे कार्ड, ठीक है। उसके बाद उमंग ऐप, देखिए उमंग ऐप एक तरह से एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार की 307 गवर्नमेंट सर्विसेज को आपको सिंगल ऐप में प्रोवाइड करता है, ठीक है।
उमंग ऐप, ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन तो आपको पता ही है, ठीक है, उमंग ऐप आई थिंक मेरे फ़ोन पे, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इससे पहले डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन का कुछ न्यूमेरिकल डाटा देख लेते हैं। देखिए 2014 और 15 में 316 करोड़ तक डिजिटल पेमेंट हुआ करता था भीम ऐप से या किसी दूसरी ऐप से। अब 2017 और 18 में वही 2071 करोड़ तक पहुंच गया है। देखिए कितना बूस्ट मिला है डिजिटल, इसको उमंग ऐप को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, यह है उमंग ऐप। देखिए इसमें क्या है, अभी हमने कहा उमंग ऐप क्या कर रही है, डिजिटली 307 गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही है एक ही सिंगल ऐप में, ठीक है, जो कि आपको गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए आधार कार्ड आप एक्सेस कर सकते हैं, AICT, AKPS, भारत बिल पे, भारत गैस, देखिए CBSC, यहाँ पर छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लाइन, देखिए सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्रॉप इंश्योरेंस आपको करना है एक ही सिंगल ऐप में, DG सेवक, ये देखिए ई धारण, ई डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऐसा नहीं है कि सभी है, ये सेंट्रल के बेसिस में, देखिए सेंटर की कौन कौन सी स्कीम है, मदद स्कीम, खोया पाया, देखिए खोया पाया, किसान सुविधा, ये सेंट्रल स्टेट। इवन आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप ई पाठशाला की हेल्प से आप NCERT के अगर किसी पास PDF नहीं है क्लास 6 से क्लास 12 तक, आपको ई पाठशाला में मिल जाएंगी, ठीक है, ई माइग्रेट, ये जितनी स्कीम है उसके साथ सेंट्रल के साथ साथ हर स्टेट की भी हैं कि जो हर एक स्टेट लगाता है, जैसे छत्तीसगढ़ है डिस्ट्रिक्ट, ई धारा लैंड रिकॉर्ड, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एक ही सिंगल ऐप में 307 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं इस उमंग ऐप द्वारा, ठीक है, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे है डिजिटल इंडिया गवर्नेंस के लिए कुछ, हम अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये डिजिटल इंडिया का यूज हो रहा है गवर्नेंस के प्रस्पेक्टिव। अभी तक हमने देखा कौन कौन सी ऐप्स हैं जो यूज की जा रही हैं गवर्नेंस के लिए। अल्पे तो नेशनल स्कॉलर पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि 1.08 करोड़ स्टूडेंट को ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिलती थी। पहले क्या होता था, लोगों तक लेट तक पहुंचती थी, बट अब डिजिटली। जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण तो आपको पता ही है, पेंशनर, जो पेंशनर होते हैं उनको अब क्या गाइडलाइन है कि हर एक साल में, हर एक मंथ में या हर 3 मंथ में, 6 मंथ में क्या करते हैं, उनको विजिट करना पड़ता है उन ओल्ड एज पेंशनर को कि आपकी सैलरी आई है, तो जीवन प्रमाण दीजिए, अपनी जीवन का आइडेंटिटी दीजिए। तो अब डिजिटल की हेल्प से पेंशनर को मैन्युअली जाना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन की हेल्प से आपको जीवन प्रमाण देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होस्ट अकाउंट बनाते हैं और सैलरी वहाँ तक नहीं पहुँचती। आगे है ई हॉस्पिटल, ई हॉस्पिटल में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है बहुत सारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर तक एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, नेशनल स्कॉलर में आपको पता ही है इतने किए गए और ओवर 1.08 करोड़ रजिस्टर्ड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी गई, ठीक है। आगे आप सबको पता ही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक प्राउड, भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट देखने को मिलता है, ये PM ने डेडिकेट किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नेशन के लिए, ठीक है। इसके कुछ प्रिलिम्स फैक्ट इससे जुड़े हुए हम देख लेते हैं। सबसे पहला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इनॉग्रेट हुआ था सूरत में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ड किया था किसको डेडिकेट किया गया था, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और ये हमारे रह चुके हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर, जो आज़ाद भारत था, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले फर्स्ट होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रह चुके हैं। अब अक्टूबर 31, 2018 को इनकी 143वीं बर्थ एनिवर्सिटी मनाई गई थी और उसके बिहाफ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उनके लिए डेडिकेट किया गया, ठीक है। इसके कुछ फैक्चुअल डाटा हम मेंशन करेंगे, 122 मीटर का है ये स्टैच्यू, 23 मीटर बड़ा है चाइना का, जो अभी तक जो पूरा वर्ल्ड का था वो चाइना का स्प्रिंग टेम्पल हुआ करता था बुद्धा स्टैच्यू, अब उससे भी बड़ा हमारा भारत के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितने स्टेट थे उनको उन्होंने यूनाइट किया था, ठीक है। उसके बाद ये डबल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, अब थोड़ा सा इसका स्कल्पचर या हम कह सकते हैं जो डिज़ाइन है वो किन्होंने के, पद्म भूषण विनिंग जो है राम वी सूतर आप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। दूसरा, इसमें हेल्प की थी उन्होंने ब्रॉन्ज क्लैडिंग के वर्क में, जो ब्रॉन्ज रिलेटेड वर्क किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, वो चाइनीज फाउंड्री जियांगजी टोकिन कंपनी ने किया गया था, तो आप चाइना का याद कर सकते हैं और पद्म भूषण इनका नाम तो याद ही करना है, राम वी सूतर का, ठीक है। ओके, आर्टिकल 2 है टुवर्ड्स ए डिजिटल फ्यूचर। देखिए डिजिटली क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, अभी देखिए 2025 तक हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है, ये टॉपिक मेंशन करेंगे UPSC में साइंस एंड टेक का।
ठीक है। तो आर्टिकल टू के बेसिस पर हर आर्टिकल का एक ही एम है कि मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, तो आप कैसे उस आंसर को टैकल कर पाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले मेंस बॉडी में आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर डिजिटल फ्यूचर बनाना है और एक डिजिटल फ्यूचर या डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे। तो फैक्ट से है मेंस बॉडी का, इसको हमने तीन बेसिस पर आप डायरेक्ट आपने इंट्रोडक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ई कोर्ट के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ई नाम है, डिजी लॉकर है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो चारों को आप थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करेंगे। जैसे आर्टिकल में हमने मेंशन किया है, योजना आर्टिकल कहता है कि ई कोर्ट की ओर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। ई कोर्ट में क्या होता है, देखिए बहुत ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस होती हैं, हियरिंग्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क चलता है, जिससे जो बहुत ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। तो ई कोर्ट में क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जितने कम से कम जो फिजिकल पेपर हैं उनको कम किया जा रहा है और जितने भी काम हैं कोर्ट के वो क्या करे जा रहे हैं, डिजिटली किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन चीज़ें होंगी और जो डॉक्यूमेंटेशन पेश किए जाते हैं वो भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जिससे पेपर तो बचेगा इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और सोशली बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी जो प्रिजनर हैं उनको भी। ठीक है, आगे है ई नाम। ई नाम क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में क्या होता है, देखिए इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाना चाहूँगा। सपोज एक फार्मर है, एक फार्मर को अपनी क्या करनी है, क्रॉप्स को बेचना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए सपोज ये 100 किलोमीटर है, ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना आ जाता है, बीच में उसकी फसल ख़राब हो जाती है। तो ई नाम क्या है, ई नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो किसान है अपनी फसल को बेच सकता है ऑनलाइन। कहने का मतलब उसके जो भी प्रोडक्शन होंगे, जो भी क्रॉप्स बन रही हैं, वो मार्केट एक्सेस डिजिटली कैसे कराया जाएगा, इसमें सब गाइडलाइंस दी हुई हैं। एक तरह से जितने भी प्रोक्योर किए जाएंगे, लॉजिस्टिक सेक्टर बचेगा, जो लॉजिस्टिक उसके एक्सपेंसेस हैं वो बचते हैं। आगे डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर से इससे पहले हम आर्टिकल में बात कर चुके हैं। डिजी लॉकर क्या है, देखिए एक मोबाइल ऐप होती है जिसमें कि आप अपने फिजिकल, देखिए बहुत बार क्या होता है लोगों के ग्राउंड अगर इसका हम प्रॉब्लम देखें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने जो सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे वो 10th 12th बीएससी बीकॉम कोई भी सर्टिफिकेट है, वो फिजिकली ले जाते समय बहुत लोगों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रहते नहीं हैं, उनके साथ गुम हो जाते हैं। तो डिजी लॉकर एक डिजिटली लॉकर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 10th के सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो भी किसकी हेल्प से, एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हेल्प आपको मिलेगी जो कि आपको एक्सेस करवाएगी कि आप डिजी लॉकर में अपने आधार कार्ड, या आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, आपको मिल जाएगा। अगर आगे है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, ऑनलाइन क्या कर सकती है, प्रोक्योरमेंट करती है एमएसएमई से, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। सपोज एक एग्जांपल इसके बेसिस पर भी देते हैं, सपोज वो गन्ने बनाने वाली जूस की मशीन बना रही है कोई एमएसएमई, ठीक है, यहाँ पर गन्ना बनता है सपोज, तो उसके पार्ट्स अगर सपोज बना रही है, सपोज वो जूस बना रही है, जूस के बेसिस एस्पेक्ट में लेते हैं, तो 25% ऐसा बोला जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो जूस लेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डिजिटली प्रोक्योर करती है एमएसएमई से, ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। आगे आप एग्जांपल दे सकते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के। कॉमन सर्विस सेंटर में क्या होता है, एक ऐसा सेंटर, उसमें बहुत तरह के एड होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एड हो, चाहे हेल्थ के बेसिस पर हो, चाहे कनेक्टिव के बेसिस पर हो, कुछ भी अगर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट ऐसा अगर इस्टेब्लिश करना चाहिए तो गवर्नमेंट के पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं कि वो लोग जो सर्विसेज हैं वो ग्राउंड, जो विलेज वाले पीपल हैं, विलेज पीपल्स हैं, उन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए भारत सरकार लाती है कॉमन सर्विस सेंटर, ये एक तरह से सेटअप बॉडी का होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर जो भी एड पहुँचाए जाते हैं किसी भी स्कीम द्वारा, वो कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा पहुँचाए जाते हैं, जैसे हियरिंग एड है सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता है। उसके आगे स्त्री स्वाभिमान है कि हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ में कितनी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस फैलानी है, फिर रूरल बीपीओ हो गया, और डिजिटल इंक्लूजन तो आपको पता ही है, स्मॉल टाउन और विलेजेस में जो ड्राइविंग डिजिटल इंक्लूजन करना है वो सबसे बड़ी बात है कि डिजिटली कैसे हो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रिन्यूअल कराना है तो आपको ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के, आप रिन्यूअल अपने ऑनलाइन ही करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मेंस आंसर लिखेंगे, ई कोर्ट, ई नाम, डिजी लॉकर, जी ई एम, तो आपको मेंस के आंसर में कुछ इतना ही ऐड करना पड़ता है। आगे क्या है, आगे कुछ फैक्ट दिए हैं डिजिटल इंडिया, अभी जैसे फ्यूचर पढ़ रहे हैं कि कैसा फ्यूचर होने वाला है भारत का,
एज इन द पाथ ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में देखें तो एम्प्लॉयमेंट का एक एस्पेक्ट देखिए, अगर कोई आंसर आप लिखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट का, इकोनॉमिकली का, सोशल, सब जो सेक्टर हैं वो कवर करके चलना। तो एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट कर रहा है, देखिए 600,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई हैं। पहले सिर्फ 2 मैन्युफैक्चर यूनिट हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग वाली, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 2 जगह ऐसा होगा, 2 यूनिट ऐसे मान के चलो कि इन दोनों यूनिट में ही फ़ोन बनाए जाते हैं। बट लास्ट के 4 साल में अगर हम देखें तो 127 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो मोबाइल की हैं वो सेटअप की गई भारत में, उसमें कुछ स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हुई हैं, कुछ मेक इन इंडिया के थ्रू हुई हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किए गए हैं सेटअप करने के लिए, जैसे सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो 2014 और 15 की अगर बात करें तो देखिए 6 करोड़ बनाए गए थे और 2017 और 18 तक वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 करोड़ से कितने पहुंच चुकी है, 22 करोड़। तो आपको यही छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं अपने मेंस के आंसर में जिससे कि आपका आंसर पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। 600,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब और 6 करोड़ से जो 2014 और 15 में प्रोडक्शन हुआ करता था मोबाइल का वो 22 करोड़ पहुँच चुका है, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सिंपल सी बात है उतनी ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे है पीएम ने लॉन्च करी हिस्टोरिक सपोर्ट एंड आउटरीच। देखिए डिजिटल जो हमारी चीज़ें हैं उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। एमएसएमई सेक्टर इकोनॉमी के बेसिस पर कहो, वीमेन एम्पावरमेंट करनी है, वो सब देखिए एक जैसे हर आर्टिकल में, जैसे अभी इससे पहले हमने बहुत सारी योजना कर चुके हैं मंथ की, उनमें भी ये मेंशन था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेडरॉक जैसे हमारा होता है फंडामेंटल राइट, वैसे ही अगर इंडिया की इकोनॉमी का अगर हम बेडरॉक बोलें तो वो एमएसएमईज हैं। एमएसएमईज कौन कौन सी होती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ऐसी एमएसएमईज जैसे आप सपोज सिलाई मशीन ले ली आपने, फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट से लोन लेके 100 सिलाई मशीन ले ली और उससे आप कुछ चीज़ फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, कुछ क्लोथिंग का काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, तो वो माइक्रो स्मॉल है। तो आगे बजट में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ब्रेक किया है कि माइक्रो 5 लाख तक, फिर 10 लाख तक, इस तरह से पैसे के बेसिस में जितना टर्नओवर होगा और जितना सेटअप करने में लग रहा है तो उस बेसिस पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को ब्रेक किया है। बट एमएसएमई सेक्टर ओवरऑल क्या करती है, एक तरह से प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल से प्रोसेस करती है और हमारी जीडीपी में, हमारे एक्सपोर्ट में हमें हेल्प करती है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या किया है, हिस्टोरिक सपोर्ट दिया है एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, इकोनॉमी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है। तो सबसे पहला क्या किया, आप हर टॉपिक में मेंशन करेंगे तो सबसे पहला है उनको क्रेडिट, तो ये करंट की बात है कि 59 मिनट के अंदर अंदर उनको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा एमएसएमईज को, जिसके बेसिस पे वो अपने जो प्रोडक्शन है अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। दूसरा 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा जो भी जो एमएसएमईज के पर्सोनिल हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, ऑन फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन। देखिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है, इससे पहले फार्मर सबवेंशन स्कीम चल रही थी, उसमें क्या होता था अगर बैंक से वो 6% लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट के बेसिस पे, 6% का सपोज उन्होंने 500 रुपये का लोन लिया और उसमें 6% का इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो अब क्या होगा उसमें से भारत सरकार 4% देगी या फार्मर 4% देगा और भारत सरकार उसमें से 2% कंट्रीब्यूट करेगी, तो इसी 2% को इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी 2% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात यह है कि अगर लोन लेती है कोई भी एमएसएमई, कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भारत सरकार देगी कि इंटरेस्ट में वो। दूसरा जितनी भी कंपनीज का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है, नाउ ये कंपलसरी है कि उसको वो रिसीव करेगा रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, कहीं ना कहीं उसको डिस्काउंट मिलेगा जब वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है और जब वो कोई क्रेडिट भी ले रहा है तब, ठीक है। ये पहली बात तो हो गई कि उनको लोन कैसे दिया जा रहा है, उसमें क्या क्या भारत सरकार ने किया है, तो 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन आप डाल लेना 59 मिनट का और ई डिस्काउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू मार्केट, अब आपको पता है कि लोग एमएसएमईज क्या हैं, अपने प्रोडक्ट तो बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स से प्रोसेस करके बना देते हैं, पर वो लेगा कौन, तो मार्केट एक्सेस के लिए अभी जैसे हमने बात की एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसकी हेल्प से अभी का प्रोविजन ये याद रखिए, करंट दिसंबर मंथ की ही ये योजना है, अभी का ये मेन आया है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती थी एक तरह से भारत सरकार की कंपनी, सब और एक कंपनी क्या कर रही है
पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है, कार बना रही है, एग्जांपल के थ्रू वो कार बना रही है और उसको पार्ट चाहिए उस कार का, ठीक है, हेडलाइट चाहिए। अब एमएसएमईज, एक एमएसएमई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, मान के चलो माइक्रो इंटरप्राइजेज है सपोज, ठीक है, छोटी माइक्रो इंटरप्राइजेज है, वो क्या कर रही है, हेडलाइट बना रही है। अब उसने हेडलाइट बना दी है पर उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाती है, इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी उसमें से अभी का प्रोविज़न ये है, जो पहले 20% का टोटल परचेज किया करते थे इन एमएसएमई से कंपलसरी, वो अब क्या है 25% हो गया है। तो 20% पहले था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है 25%, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उसमें 25% में से भी और प्रोविज़न है कि, क्योंकि सिंपल सी बात है, एमएसएमईज ऐसा तो नहीं है मैन ही खोल सकते हैं, वीमेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है जिससे कि उनका वीमेन एम्पावरमेंट हो, तो 3% उसमें रिजर्व है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो भी वीमेन्स खोलेंगी अपनी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज, उसमें उस 25% में से रिजर्व है कि 3% जो वीमेन एंटरप्राइजेज होंगे उसमें से 3% तो हेडलाइट जो लेनी पड़ेगी वो वीमेन एंटरप्राइजेस से लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मैंने बता ही दिया, जो मार्केट एक्सेस हो गया या अपना बेचना होगा वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से हो जाएगा डिजिटली, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का तीसरा पार्ट, पहला हम क्रेडिट पढ़ चुके हैं, दूसरा कैसे अब एमएसएमईज ने अपने प्रोडक्ट बना लिए हैं तो कैसे मार्केट एक्सेस तक पहुंचेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, ठीक है। अब 20 हब्स विल बी फॉर्म्ड अक्रॉस द कंट्री एंड 100 स्पोक्स इन द फॉर्म ऑफ टूल रूम्स टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब इतने जो 20 हब्स हैं वो अक्रॉस द कंट्री क्रिएट किए गए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया गया, चाहे वो प्रोक्योरमेंट से लेकर हो चाहे लॉजिस्टिक सेक्टर हो, ठीक है। उसके बाद ई जॉब डूइंग बिजनेस यही होता है कि कोई एमएसएमईज या कोई फॉरेन इन्वेस्टर, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल भारत में अपनी इंडस्ट्री कैसे लगा सकता है, कितनी ईजी की तरह से लगा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे एमएससी में 70% कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द क्लस्टर विल बी बॉर्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेबर लॉज कितने ज़्यादा इजी हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है यानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा है या नहीं, अगर भारत सरकार कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर रही है तो उसको कितनी ज़्यादा तरीके से डिजिटल बनाना चाहिए, ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग अभी आप, चलो ये मैंने बता ही दिया 77, आगे आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपके वैसे क्वेश्चन था। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फॉर एमएसएमई सेक्टर, तो अब क्या है, जनधन अकाउंट के बेसिस पर प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस भारत सरकार देती रहती है, तो ये अभी प्रधानमंत्री जी ने, या हम कह सकते हैं भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए किया है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए अभी भारत सरकार क्या कर रही है, क्रेडिट दे रही है, मार्केट उनके प्रोक्योरमेंट जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको खरीद रही है, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक्सेस ईजी बना रही है और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो इतने सारे मैटर हैं आपके मेंस आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे डिजिटल इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, ये योजना में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे है प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट, कौन सा प्रीलिम्स में आ सकता है और इसी प्रीलिम्स के फैक्ट को आप मेंस के आंसर में एग्जांपल के बेसिस पर लिख सकते हो। इंडिया ने 23 जो रैंक है वो लीप कहते हैं ना कि 100 रैंक से 77 रैंक तक आ गया, तो 23 रैंक का जंप किया, किस में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, किसके थ्रू। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी मैंने यही कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने भारत में, भारत के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, इंडिया में कितनी अच्छी तरह बिजनेस कर सकता है, चाहे वो कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको कितनी जल्दी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल रहा है, अगर वो कोई लेबर हायर कर रहा है तो लेबर लॉस कैसे हैं, ईजी हैं या नहीं, अगर कोई डिस्प्यूट होता है सपोज एमएसएमईज में तो वो डिस्प्यूट कितनी जल्दी सॉल्व करता है, क्योंकि 10-20 साल तक कोर्ट में वो केस चले रहता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले था 2017 और 18 के बेसिस पर 100 रैंक थी, अब 2018 और 19 के बेसिस पर वो रैंक कितनी हो गई है, 77। तो डायरेक्ट 23 जो रैंक है वो हमने जंप किया, तो ये अच्छी बात है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले हम जो ग्राउंड लेवल का रीज़न है, जो एक्चुअल रीज़न है, वो है पोर्ट लेड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर पोर्ट लेड डेवलपमेंट की। अब मैं ये पूरा सागरमाला आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज क्या है, मेरी यहाँ पर फैक्ट्री है, ए पर्सन की फैक्ट्री है यहाँ पर सपोज। अब क्या है, उस ए पर्सन को अपना कुछ चीज़, वो सपोज बनाता है फुटवेयर बनाता है, और ये एक्सपोर्ट उसको करने हैं सपोज अमेरिका, इसको एक्सपोर्ट करने हैं। अब वो एक्सपोर्ट करेगा किसके थ्रू, जनरली बहुत बड़े कंसाइनमेंट होते हैं तो वो पोर्ट के थ्रू करेगा, यहाँ पोर्ट होगा, शिप में वो लोड करेगा और ये शिप ले जाके अमेरिका उसको पहुँचा देगी। बट
अब हमारे यहाँ क्या है कि जो पोर्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट देना पड़ता है, क्योंकि रोड ख़राब होती हैं, कभी कभी जो कनेक्टिविटी है उतनी ज़्यादा पोर्ट तक बनी नहीं रहती है। तो बोलते हैं, जैसे आपने घर बनाया होगा कभी, तो बोलते हैं कि हाँ ढुलान, एक वर्ड सुना होगा, ढुलान का मतलब होता है वही, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट आई है कितनी ज़्यादा आ सकती है। तो अब क्या है, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी पोर्ट होंगे भारत में, ठीक है, ये सपोज पोर्ट हैं, ये ऐसे पोर्ट हैं, तो यहाँ पर पहुँचने तक, क्योंकि सिंपल सी बात है, रिमोट एरिया से कुछ रॉ मटेरियल लाए जाते हैं इन पोर्ट्स तक, तो ये जो पोर्ट्स होते हैं उन तक कैसे कनेक्टिविटी, चाहे रोड से पहुँचाओ, रोड पूरे इन तक बनाई जाएगी, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट पहले आती थी 100 रुपये, तो वही आएगी अब 20 रुपये। तो इस बेसिस पे ही पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। आगे जो है, इन्हीं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सागरमाला प्रोजेक्ट तो पहला एक रीज़न हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटाइजेशन कर दिया है डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा है सबमिशन, जो ऑनलाइन सबमिशन होंगे, जो डिस्प्यूट होते हैं, दूसरा ये है। तीसरा क्या है, डिजिटाइजेशन आपको पता ही है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट हैं वो भी सिग्निफिकेंटली उनको भी बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे जो ट्रेड बॉर्डर्स होते हैं, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था लॉज के ट्रेड, जैसे बॉर्डर के साथ ट्रेड करना है तो कितना ज़्यादा, तो उन भी लॉज को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये रीज़न हमने कुछ 4-5 देखने को मिलते हैं। ओके, आर्टिकल 3 है रेगुलेटिंग द डिजिटल रेवोल्यूशन। अब देखिए, डिजिटली इतना ज़्यादा भारत बढ़ रहा है, ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है डिजिटली, तो बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट को, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, और दूसरा आता है इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम, लॉकी रैंसमवेयर जैसे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं रेगुलेशन फिट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल पूरा यही रहता है कि कोई डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है इतना ज़्यादा, तो उसको रेगुलेशन कैसे किया जाए। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे आया, फिर उसके कुछ चैलेंजेस पढ़ेंगे, और जैसे एक मेन क्वेश्चन को टैकल करने की बात होती है, उसी फॉर्मेट में हम पूरा योजना का आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल स्टडीज़ आप पेपर 3 में मेंशन कर सकते हैं, साइंस एंड टेक में। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में यही है कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसको अभी का 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। तो बाकी 3 कौन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैं, या कौन से रेवोल्यूशन देखने को मिलते हैं, पहला है स्टीम इंजन, फिर एज ऑफ साइंस और मास प्रोडक्शन। धीरे धीरे क्या, पहले क्या बनती थी, सिर्फ एक कार को बनाने में 1 साल लग जाता था, मास प्रोडक्शन, उसको 2nd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया, और कंप्यूटर से जब आए, लैपटॉप से जब आए, 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को उसने प्लेस को ऑक्यूपाई किया। अब जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हो, तो उसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया, ठीक है। तो डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी क्यों है, क्यों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबसे पहले ये इनोवेशन क्रिएट करता है, प्रोडक्टिविटी देता है, एफिशिएंसी देती है, दूसरा जो टेलीकॉम प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाता है, और डिजिटल रेवोल्यूशन इसलिए हमारे को देखते हैं कि ये जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से लिखिएगा कुछ कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है, 3 इससे पहले ये थे, और क्यों जरूरी है, ये मेंशन करके इंट्रोडक्शन हमारा पूरा खत्म होता है। बाकी आगे आर्टिकल कहता है कि डिजिटल रेवोल्यूशन के कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जैसे कोई एक सिंपल सी बात है, कोई भी एप्लीकेशन अब बनती है या सर्विसेज बन रही हैं, तो वो मोबाइल कनेक्टिविटी के बेस पर बन रही है, तो टेलीकॉम सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं, TSP होते हैं, चाहे वोडाफोन, आइडिया, जितनी भी लोग होते हैं, उनको एक तरह से इनोवेशन तो बढ़ाना ही पड़ता है, इनकरेज करना पड़ता है, साथ ही साथ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक बार मैं एग्जांपल के बेसिस पर समझा देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से कंप्यूटर की एक प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है, वो ह्यूमन की तरह बिहेव करना शुरू करता है। जैसे एग्जांपल, बहुत सारे लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो पबजी खेलते होंगे, पबजी में क्या होता है, बहुत सारे बॉट होते हैं, बॉट मतलब एक पबजी एक गेम है जिसमें कि बहुत सारे जो
प्लेयर्स होते हैं, एक तो ह्यूमन प्लेयर होते हैं, एक क्या होते हैं कंप्यूटर प्लेयर। तो पबजी के बेसिस पे नहीं, मैं चेस के, क्योंकि चेस तो सबने खेला होता है कंप्यूटर में, तो जो कंप्यूटर होता है चेस में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। जैसे जैसे कंप्यूटर, जैसे जैसे ह्यूमन रिएक्ट करता है अपना नेक्स्ट स्टेप, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस ह्यूमन के मूव को बाद के लिए भी स्टोर करे रहता है, और कैसे रिएक्ट करना है वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। तो चैलेंजेस पढ़ते हैं, तो इंडिया जो चैलेंजेस आप पढ़ेंगे वो दो बेस फेज में पढ़ेंगे, बिजनेस चैलेंज और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज। बिजनेस चैलेंज में क्या होता है, देखिए बहुत सारा, अगर बहुत ज़्यादा सपोज ये कंपनी है, कोई कंपनी है, तो ये क्या करती है, इसके कुछ अपने रेगुलेशन होंगे कि हाँ आपको कुछ भी चीज़ बनाना है तो इस स्टैंडर्ड को देखते हुए बनाना, इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बनाना। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की क्या लॉज हैं, क्या रेगुलेशन है, उससे रिगार्डिंग उसको भी देख के चलना पड़ता है। तो बिजनेस चैलेंजेस यही हैं कि जो रेगुलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं जो नए नए इन्वेंशन होते हैं, इनोवेशन होते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं। तो पहला चैलेंज ये है कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्यों नहीं हो पाएगा ड्यू टू बिजनेस चैलेंजेस, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, आपसे कोई कहेगा हाँ इसमें ये मत करिए, इसमें ये मत करिए, ये मॉडिफिकेशन मत कीजिए, तो इनोवेशन कहीं ना कहीं जो होने वाला था वो नहीं होगा। दूसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, अपने मेंस आंसर में सिर्फ इसी के बेसिस पे लिखिएगा। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी तो सबसे बड़े चैलेंज देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजिकली। अब इसके साथ साथ सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। इन सॉल्यूशन को हमने चार बेसिस पर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला है रेगुलेशन शुड बी एडेप्टिव, रेगुलेशन तो होने चाहिए पर एडेप्टिव होने चाहिए। एडेप्टिव मतलब होता है फ्यूचर की नीड के बेसिस पर, फ्यूचर का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके बेसिस पर कौन सा रेगुलेशन मेंशन करना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, जिससे इनोवेशन भी और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा, यूज़ ऑफ रेगुलेटरी और सेंड बॉक्सेस का हमने यूज करना चाहिए। रेगुलेटरी और सेंड बॉक्सेस, देखिए ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका मुश्किल से जो कॉमन आंसर होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग आपकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखता है। तो सेंड बॉक्सेस का हमने यूज करना चाहिए। सेंड बॉक्सेस जनरली क्या होते हैं कि कोई भी इनोवेशन करना है या कोई भी रेगुलेशन लगाना है, इस इनोवेशन को बनने समय कोई लॉज इम्प्लीमेंट करने हैं तो उस लॉ का सबसे पहले असेसमेंट करना चाहिए, उसको पूरी तरह चेक करना चाहिए कि वो इशू करना चाहिए या नहीं लॉज, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि इनोवेशन कितना अच्छा होगा। उसके बाद कोलैबोरेटिव रेगुलेशन, जैसे एक एग्जांपल है फोन कंपनी और केबल कंपनी। जैसे फोन कंपनी है, सपोज कोई वोडाफोन है, ठीक है, अब इसको वोडाफोन का ब्रॉडबैंड भी लगाना है तो इसको किसके साथ कोलैबोरेशन करना लेना चाहिए, जो केबल कंपनीज हैं, तभी तो वो ब्रॉडबैंड लगा पाएंगी। तो इससे क्या होता है, दोनों मिलके अपने अपने अलग अलग रेगुलेशन ना बना के सेम रेगुलेशन फिट करें तो इनोवेशन को इनकरेज किया जा सकता है और डिजिटल रेवोल्यूशन को उसके पाथ में, जो प्रोग्रेसिंग पाथ है, वो ले जाया जा सकता है। उसके बाद लास्ट हम पढ़ते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरह से एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलेशन असेसमेंट देखती है, जैसे वोडाफोन आइडिया, इनमें क्या क्या, ये जो टेलीकॉम सेक्टर प्रोवाइडर हैं वोडाफोन आइडिया जियो, इनको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क है वो ट्राई ही देती है। तो ट्राई ने क्या किया, रिसेंटली एक माई कॉल ऐप बनाई। वो उस कॉल ऐप में आप क्या करोगे कि जो चाहे वोडाफोन की सिम से आप कॉल कर रहे हो, जियो की सिम से कॉल कर रहे हो, तो आपको सर्विस अच्छी मिल रही है या नहीं वो चेक करती है ट्राई। आप क्या करोगे, कॉल में जैसे कभी कभी आवाज़ नहीं आती है तो उसमें क्या होगा कि आप माई कॉलिंग ऐप में क्या करके उसको रेट कर दोगे कि हाँ सिर्फ 2 स्टार मिल रहे हैं क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है चाहे मैं नेटवर्क प्लेस में हूँ भी। तो एक तरह से ट्राई क्या करती है, रेगुलेशन करती है माई जियो में, आइडिया में, ये सब में, ताकि आपकी जो सर्विस आपको मिल रही है, जो आप पे कर रहे हो पैसे, उसके बेसिस पर मिल रही है या नहीं। तो डिजिटल रेवोल्यूशन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। आगे लास्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे, जो टेक्नोलॉजी और सर्विस हैं वो ब्लर्ड करती हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री। सिंपल सी बात है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं देखती है कि ये इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, तो ये साइबर क्राइम, तो ये ब्लर्ड करती है कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को, ठीक है। दूसरा ट्राई, ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सिर्फ रेगुलेशन ही नहीं करता बल्कि फ्रंट रनर है एडॉप्टिव रेगुलेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर के बेसिस पर और प्रेजेंट सिनारियों के बेसिस पर कैसे एडॉप्टिव मेथड लेने चाहिए जिससे कि रेगुलेशन उस इनोवेशन की तरह उसकी पैरेलली मैच करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 4 है,
आधार द डिजिटल हाईवे टू न्यू इंडिया। देखिए आधार अभी हमारे 122 जो करोड़ की हमारी जो है लोगों तक जो पीपल्स हैं हमारे देश के 122 करोड़ तक आधार है, और उसके साथ साथ आधार के साथ जनधन अकाउंट लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो आधार के थ्रू होते हैं। तो इसके साथ साथ क्या आधार दुनिया का ऐसा पहला कॉन्सेप्ट है कि आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो भारत लेकर आया? नहीं, हम इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा कौन सा सिस्टम है, उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और मेंस में जो आंसर टैकल करने चाहिए, जो क्वेश्चन को हम लिखेंगे वो पूरा फॉर्मेट मेंस का रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखना है, देखिए इंट्रोडक्शन में ऐसा है ये, ओके ब्लर्ड हो गया था। इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए दूसरी डेवलप्ड डेमोक्रेसी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने इंट्रोड्यूस किया था SSN, ये भी एक तरह से डिजिटल आइडेंटिटी है आधार की तरह। सोशल सिक्योरिटी नंबर, देखिए सोशल सिक्योरिटी नंबर थ्रू इनेक्टमेंट ऑफ 1935, अब ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जब यूनाइटेड स्टेट पूरा जब ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कहा कि हम SSN इंट्रोड्यूस करते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसमें क्या होगा जो कि देखिए करप्शन होता है, देखिए हमें पता है कि जितने लीकेजेस जितने करप्शन होते हैं वो आधार से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, उसको कर्ब करता है आधार। वैसे ही SSN इंट्रोड्यूस किया था USA ने, अब 1962 में उसको और ज़्यादा अमेंड किया गया, उसको SSN को उन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे अभी LPG के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, पोस्ट ऑफिस, बैंक खाता सबसे लिंक है आधार। तो वैसे ही ऑफिशियल टैक्स आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर यूज करने लगे वो लोग, मैंडेटरी अगर टैक्स वो करना है तो SSN यूज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अभी यूज कर लेते हैं मोटर व्हीकल, वो SSN यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज होने लगा था। दूसरे अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ भी इस तरह से एक नंबर है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जो कि यूज़ फॉर ओपन बैंक अकाउंट जैसे आधार का होता है, चाइल्ड बेनिफिट और दूसरी सर्विसेज जैसे आधार से मिलती है वैसे ही वहाँ पर भी मिलती है। तो भारत में आधार 122 करोड़ जो जनता है उन तक पहुंचा हुआ है, 122 करोड़ पीपल जो कि जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको अवेल कर पा रही हैं, उनको ले पा रही हैं। जैसे हर आर्टिकल में एक एग्जांपल रहता हूं जो कि सिंपल रहता है LPG वाला, तो वो इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मेन बॉडी में ये कुछ इंट्रोडक्शन था कि आधार दूसरे डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में कैसा है, कैसे मैंडेटरी उसके प्रोविजंस हैं। मेन बॉडी की अगर मेन्स की बात करूँ तो आधार क्यों ज़रूरी रहता है आपको सबको पता है, एम्पावरमेंट करता है। दूसरा ये मिडल मैन जो एलिमिनेशन होता है उसको एलिमिनेट करता है। पहले क्या होता है लोगों तक पहुंचने तक, जो सपोज भारत सरकार इस सपोज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बी कोई इंडिविजुअल है, तो भारत सरकार को इस इंडिविजुअल को सपोज 100 रुपये देने हैं तो बीच में वो डायरेक्ट उससे डील नहीं कर पाती थी पहले, और उस मिडल मैन के थ्रू वो 100 रुपये पहुँचाने के बदले या तो वो 100 रुपये पूरे ही नहीं पहुँचते थे या 80 या 70 कुछ परसेंट डिडक्ट करके मिडिल मैन उसको देता था इंडिविजुअल को। बट अब डिजिटली अगर हम देखें LPG में, अगर भारत में किसी इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में अगर 200 रुपये आने हैं तो उसमें कोई मिडिल मैन वर्क नहीं करेगा, वो डायरेक्ट ही उसके बैंक अकाउंट में आएंगे, तो ये एलिमिनेट करता है। उसके आगे अपने आंसर को अथॉरिटी देने के लिए हम वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेट लगाएंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आधार यूज किया जाता है वेलफेयर स्कीम में, तो देखिए ऐसे ऐसे कुछ आंसर मेंस जो आंसर लिखोगे आप उसमें पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आधार यूज किया जाता है जितनी भी वेलफेयर स्कीम है तो कम से कम वो एनुअली पर ईयर एवरी ईयर वो $11 बिलियन को सेव करेगा, ठीक है, क्योंकि करप्शन नहीं होता, लीकेजेज नहीं होते हैं। दूसरा, आधार एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इसमें जो इंक्लूड अगर हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना कुछ चीज़ें को, तो उसके बेसिस में आधार वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें फिंगरप्रिंट और आयरिस आपका बायोमेट्रिक है, दो चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल ली जाती हैं, ठीक है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, और ये डुप्लीकेट पैन कार्ड जो फेक पैन कार्ड होते हैं, घोस्ट अकाउंट होते हैं, उन सब से भी लड़ता है। आगे मेंस आंसर के लिए इतना तो आपने मेंस मेन बॉडी में लिखना है, अब उसके साथ साथ कभी आधार का इशू आ गया तो अपने मेंस आंसर में एग्जांपल कैसे लिखोगे? देखिए हमारा आंसर तभी अच्छा बन पाता है जब हम करंट का एग्जांपल देके कोई आंसर लिखें, तो ये आपके लिए एक गाइडलाइन एक तरह से आपका बोलते हैं कि एग्जाम्पल के साथ अगर अपना आंसर लिखोगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आधार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप ये लिखिएगा कि अभी तमिलनाडु में
सपोज फ्लड आता है, ये सपोज आता है नहीं है, तमिलनाडु में फ्लड आया तो ये रियल केस है, तमिलनाडु में फ्लड आता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास सिंपल सी बात है डॉक्यूमेंट और दूसरी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उनको पैसे विड्रॉ करने देते हो माइक्रो एटीएम आधार की हेल्प से, जो गवर्नमेंट बैंक ऑफिशियल है उन्होंने पहचाना और माइक्रो एटीएम के थ्रू उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट को निकाला। अब आधार इनेबल करता है, दूसरा आधार इनेबल भी करता है पेमेंट सिस्टम। अब आधार की हेल्प से हम अल्टरनेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम, बहुत सारा जो है रुपये पेमेंट होता है, बहुत जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें एक पेमेंट सिस्टम की भी हेल्प करता है। आगे आयुष्मान भारत की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले तमिलनाडु में फ्लड आता है तो जो विक्टिम्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, तो वो माइक्रो एटीएम आधार की हेल्प से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा पेमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। उसके बाद आयुष्मान भारत जो चलाई है उसमें आधार ही एक तरह से हेल्प करता है कि किस पर्सन को कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या कौन किस कैटेगरी में आता है, आयुष्मान भारत हेल्थ सर्विसेज किसको अच्छी तरह पहुंचानी चाहिए और कहां पर पहुंचानी चाहिए टारगेटेड पॉपुलेशन में, आधार उसमें से प्रायोरिटी और प्रीफर किया जाता है सबसे ज़्यादा। आगे अपना आधार कुछ ये योजना में दिया गया था कि अपना आधार अगर किसी ने बनाने को दिया है तो आप मैसेज कर सकते हैं 51969 में और आधार का स्टेटस जान सकते हैं, ये भी एक तरह से डिजिटल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ओके, आर्टिकल 5 है सिक्योर डिजिटल इंडिया। देखिए जो डिजिटल इंडिया है उसको कैसे सिक्योर करना है, अब ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम साइबर स्पेस क्राइम होते रहते हैं, ये आप यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंशन कर सकते हैं अपने टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और दूसरा GS2 में गवर्नेंस कौन कौन से रूल बनाती है उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेन जो मेजर टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है आर्टिकल 5। तो योजना आर्टिकल स्टार्टिंग में क्या बोलता है कि मेंस जो क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप दोगे वैसे ही आपका फॉर्मेट सभी आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। इससे पहले जो हमने योजनाएं कराई हुई हैं आपको पूरा एक साल का पूरे 12 महीने का इसमें यहां पर देखने को मिल जाता है जनवरी से दिसंबर तक, तो उसको जिसने देखी नहीं है वो देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंडिया जो है ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उसके साथ साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फिजिकल से डिजिटल वो मेजर की चेंज है कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, नेशन की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो फिजिकल से डिजिटल होना एक तरह से मेजर की चेंज देखने को मिलता है। आगे डिजिटल इकोनॉमी की हेल्प से इंक्लूजन कैसे किया जाए, हार्नेसिंग डिजिटल फॉर इंक्लूजन, इंक्लूजन के किस रिस्पेक्ट में मैं कहना चाह रहा हूँ, सोशल इंक्लूजन प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ब्रॉडली कि सभी लोगों का बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अफोर्डेबल जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक्सेस कर पाएँ, तो जो भी सिंपल सी बात है जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता तो भारत सरकार उसके लिए जनधन अकाउंट खोल रही है जीरो बैलेंस के साथ, उसको आधार से लिंक करवा रही है ताकि बेनिफिट आपको मिल पाए, ठीक है, इंक्लूजन हो रहा है। इससे सोशल इंक्लूजन कैसे होगा, लोगों का विमेन का एम्पावरमेंट होगा। आगे जो डिजिटाइजेशन से मतलब ये है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन होना, इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। अब इसमें एक एग्जांपल आप लिख सकते हो भारतनेट, भारतनेट क्या कर रहा है, रूरल एरिया में जो आर्टिकल 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि रूरल एरिया में जो इंटरनेट कनेक्शन है कनेक्टिविटी है वो कैसे क्रिएट की जाए। दूसरा डिजिटाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करनी, स्मार्टफोन प्रोवाइड करने, ठीक है। आगे कंसर्न है, कंसर्न ऑफ डिजिटल स्पेस कि जितने भी साइबर कंसर्न्स होते हैं उनका क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है देखिए अभी के बेसिस में अभी देखें तो मेन कंसर्न सब लोगों को ये दिखता है कि हाँ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज तो है, दूसरा डिजास्टर जो आते हैं जैसे अभी रिसेंट केरला जो फ्लड आया था वो डिजास्टर, तो उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है 2018 की रिस्क रिपोर्ट कहती है कि साइबर रिस्क एक टॉप रिस्क है अलॉन्ग विद, तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ डिजास्टर के साथ साथ साइबर रिस्क को भी एक टॉप प्रायोरिटी देखा गया है कि जो पूरे ग्लोबली जिसको रिस्क है, तो साइबर स्पेस यहां पर बोला जा रहा है कि फिफ्थ डोमेन है वारफेयर का, ठीक है। दूसरा जो कंसर्न है डिजिटल स्पेस से लेकर तीसरा कंसर्न ये हो सकता है, पहला दूसरा हम पढ़ चुके हैं, तीसरा कंसर्न ये है कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं उनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, किसी ने हैकिंग कर ली इंडिया के, जैसे अभी लॉकी रैंसमवेयर चल रहा था कि लोगों के कंप्यूटर को हैक कर लिया जा रहा था और सिर्फ रैंसम मांग रहे थे फिरौती मांग रहे थे, तो इस बेसिस पे उनको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा साइबर जो वेपन होते हैं
जो स्टेट होता है, जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल अभी देखने को मिलता है कि ये पॉलिटिकली भी यूज किया जा रहा है, इकोनॉमिकली तो यूज किया जा रहा है कि लोगों से रैंसम मांग रहे हैं उनके कंप्यूटर ओपन करने के लिए। पॉलिटिकली आपको ये एग्जांपल है, ये प्रूफ तो नहीं हुई है बात, आपको ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इसको मेंशन इंडिया में तो कर ही सकते हैं कि साइबर वेपन बाय स्टेट, किसी एक स्टेट ने, स्टेट कहने का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब है किसी कंट्री से लेकर हो गया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में तो सभी स्टेट की बेसिस पर माने जाते हैं और स्टेट बोला जाता है, तो यहाँ पर एक कंट्री ने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ था तो यूएसए के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि रशिया ने कहीं ना कहीं अपने हैकर्स की हेल्प से ये इलेक्शन में हेल्प की है डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्शन प्रोपोगंडा है उसको। तो ये बहुत बड़ा देखने को मिलता है कि एक वॉरफेयर की तरह है कि अब देखिए इलेक्शन में हेल्प कर रहा है, तो इस तरह से जो यूएसए और रशिया के और ज़्यादा जो बायलैटरल रिलेशन हैं वो नहीं रहेंगे। आगे आता है जो लॉज हैं, ज्यूरिसडिक्शन हैं, इश्यूज जो आते हैं रिगार्डिंग द डिजिटल लॉज, वो भी उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है भारत में एज वेल एज इंटरनेशनल, तो इनएफेक्टिव है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू एड्रेस द साइबर क्राइम। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जो ब्रिक्स होती हैं या G20 जो समिट होती हैं, इनमें साइबर स्पेस का, साइबर क्राइम का जो कंसर्न है वो उठाना चाहिए, ये इश्यू रेज करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने ये चैलेंजेस पढ़े, ठीक है, तो कि क्रिमिनल को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, एविडेंसेस, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ये छूट गया था, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, सिंपल सी बात है, हैकर कोई चीज़ करेगा तो एविडेंसेस कहाँ से मिलेंगे। तो आगे सॉल्यूशन इसके लिए क्या क्या आर्टिकल बताता है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले कोलाबरेशन करना चाहिए विथ ग्लोबल स्टेक होल्डर, जैसे यूरोप की कोई गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वही मैं कह रहा था, जैसे G20, तो जो ग्लोबली स्टेक होल्डर जुड़े हुए हैं डिजिटल वर्ल्ड से, उनके साथ मिलकर कोलाबरेशन करके इसको कर्व करना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को भी करना चाहिए, जैसे हमारी है गवर्नमेंट की जो सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, तो उसको कोलाबरेट करना चाहिए कोई इंडस्ट्री से जो कि आईटी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सॉफ्टवेयर बना सके जो कि कर्व कर सके, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक्शन प्लान बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एंड यूजर, कंज्यूमर के साथ साथ मिलके उसके आइडिया को शेयर करके ये चीज़ें भी कर सकते हैं। लास्ट है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जैसे अभी हमने बात की, इससे पहले बात कर चुके हैं, जैसे G20 नेशंस में इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जैसे अभी हाल में एक किम्बरली प्रोसेस आई थी कि जो रफ डायमंड होते हैं उसके लिए कौन कौन की गाइडलाइंस बहुत सारी कंट्री मिलके करती है, वैसे ही साइबर स्पेस से लड़ने के लिए भी करना चाहिए। आगे कुछ और मीजर्स दिए गए हैं, जैसे अवेयरनेस फैलाओ, सिक्योरिटी ऑफ रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज करो, उसके बेसिस में फर्दर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए, एक्सटेंडेड पैरामीटर सिक्योरिटी विद फोकस ऑन सप्लाई चेन, फिर उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिक्योरिटी, द शिफ्ट फ्रॉम डिटेक्शन टू रिस्पॉन्स, डिटेक्ट करना चाहिए, वही है पूरा जो सॉल्यूशन मैंने ऊपर है वैसे ही योजना में वही चीज़ दे रखी है, कॉम्प्लेक्स तरीके से मैंने उसी को सिंपल तरीके से आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कन्वर्ज सिक्योरिटी डिसिप्लिन, कन्वर्ज करना चाहिए सिक्योरिटी डिसिप्लिन को, किसके रिगार्डिंग, डिजिटल, तो इसी चीज़ का जो पैरामीटर है इसका ही जिस्ट मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है और डिस्कस कर लिया है। आगे जो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न भारत में कैसे कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, आपको इंडिया का जो मेन चीज़ है इंडिया, उसको अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। तो पॉलिसी और रेगुलेटरी रिस्पांस देना चाहिए जो ड्राइव सेक्टर हैं, जैसे RBI, RDIA रिगार्डिंग बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंसर्न देखा जाता है, जिसको टारगेट किया जाता है हैकर्स द्वारा। दूसरा, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोलाबरेट करना चाहिए, जैसे हमारी सेक्टोरल, नेशनल और स्टेट लेवल की जो सर्ट टीम है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो ऐसे साइबर क्राइम्स को देखती है, हैकिंग को देखती है उससे। तीसरा, डिजिटल लिटरेसी फैलानी चाहिए और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, इससे जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड को हम सिक्योर कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 6 है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। अभी तक हमने डिजिटल इंडिया का क्या क्या इम्पैक्ट पढ़ा, क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं आ रहे हैं, और कैसे एक साइबर स्पेस को सिक्योर बनाया जाए। तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का ही टॉपिक है, साइंस एंड टेक का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं डिजिटल इंडिया के। तो सबसे पहला जो फैक्ट्स हैं जो अपने मेन्स आंसर में डायरेक्ट कोट करेंगे, सबसे पहले अगर डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी तो वो $1 trillion तक बनने जाएगी 2025 तक। आगे
एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर बात करें डिजिटल इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है, तो वो जॉब्स क्रिएट कर रही है 50 से 60 मिलियन। आगे है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उसके साथ साथ 2015 में स्टार्ट किया गया, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप को और ज़्यादा बूस्ट करता है। डिजिटल इंडिया जो है वो इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी। देखिए अभी हम टॉपिक पढ़ लें कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं डिजिटल इंडिया के, ठीक है। तो ये आप इकोनॉमिक एंगल देख सकते हैं, पहला कि $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनने जा रही है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी इकोनॉमी का और सोशल जो इंक्लूजन है उसको देख सकते हैं कि 2025 तक 50 से 60 मिलियन जॉब क्रिएट हो रही हैं। डिजिटल इंडिया 2015 से स्टार्ट हुआ था और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है गवर्नमेंट की भी। आगे आपको ई सर्विसेज का बेनिफिट मिलता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस और इंगेज करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आगे क्या है कि ये इम्प्रूव करती है इंडिया की पोजीशन यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018। देखिए एक तरह से आपको सिर्फ फैक्ट नहीं देने, आपको एक ऐसे फैक्ट भी देने हैं जो जिसमें कुछ ऑथोरिटी हो। आगे यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2018, ई गवर्नमेंट किसने अच्छा किया है, तो ये देखा गया है कि पूरे एशिया रीजन में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और फास्टर इम्प्रूवमेंट किया है। तो इससे आप अपने मेंस का आंसर इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे दूसरी रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट फैक्ट जो कि आपके मेंस आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है, कि यूनाइटेड नेशन की ऑनलाइन सर्विस रिपोर्ट 2018 कहती है कि इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है। ई पार्टिसिपेशन रिपोर्ट भी इम्प्रूवमेंट हुई है। माई गवर्नमेंट आप पता ही है, माई गवर्नमेंट जो एक आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी जाते हैं, इसमें आपको देखने को मिलता है ये एक एस्पेक्ट है कि आप डेमोक्रेसी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। माय गवर्नमेंट में जो सिटीजन है वो इंगेज होते हैं, जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें। आगे DBT का यूज किया जा रहा है LPG और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये आर्टिकल 1 में भी मेंशन किया गया था कि एक एग्जांपल LPG में आपके अकाउंट में कैसे डायरेक्ट पैसे आते हैं। उसके साथ साथ डिजिटल डेवलपमेंट सर्विसेज जैसे कॉमन सर्विस सेंटर आर्टिकल 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। टेलीमेडिसिन, आपकी डिजिटली कैसे आप मेडिसिन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और एजुकेशन में, हेल्थ में और एग्रीकल्चर में, ये तीनों सेक्टर में ही डिजिटल डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में आप कहोगे तो क्या होगा, जो ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें फार्मर अपने एक्सेस कर सकता है, मार्केट पेनिट्रेशन हो सकता है। हेल्थ में ई हॉस्पिटल के बेसिस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एजुकेशन में नॉलेज एक्सचेंज किया जा रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वर्चुअल क्लासरूम खोले जा रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये ई हॉस्पिटल पढ़ चुके हैं। डिजी लॉकर के बारे में इससे पहले आर्टिकल में बात कर चुके हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। आगे के कुछ फैक्ट हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वही है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है रॉ मटेरियल का MSMEs से। इससे पहले MSMEs का एक टॉपिक आ चुका था, उसमें हमने ये मेंशन किया हुआ है। आगे डिजिटल इंडिया जॉब क्रिएट करती है थ्रू स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया। एग्जांपल हम ये पहले कर चुके हैं, मेंस का एग्जांपल ये देखने को मिलता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, देखिए बहुत सारे योजना के आर्टिकल में आपको रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो यूनिट, इससे पहले रिवीजन के लिए आपके लिए ये देखने को मिल जा रहा है। फिर 2014 में जो दो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हुई थी वो 127 पहुंच चुकी है। तो एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ती है, इकोनॉमिक एंगल इससे बढ़ता है। आगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में तो हमें पता ही है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है जो सरकार होती है। आगे इससे पहले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है साइबर अटैक। देखिए साइबर अटैक से बचने के लिए कौन सा इनिशिएटिव है, इससे पहले हमने आर्टिकल में पढ़ा था आर्टिकल 5 में कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे कि हम डिजिटल इंडिया को, डिजिटल वर्ल्ड को साइबर स्पेस से बचा सकते हैं। तो उसमें एक आंसर आपको ये भी ऐड करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है अगेंस्ट साइबर अटैक, मेंस का पॉइंट है। उसके लिए भारत ने क्या किया, जैसे स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया है, वैसे ही साइबर स्वच्छता केंद्र स्टार्ट किया है, जिसमें सिक्योर साइबर स्पेस बनाया जाएगा, जिसमें डिटेक्ट किया जाएगा बॉटनेट को। बॉटनेट वही जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन मतलब जो वायरसेज होते हैं। ऑपरेटर जो है इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी टीम है, सर्ट इन बोलते हैं उसे, और ऑब्जेक्टिव यही है कि एक साइबर इकोसिस्टम को फ्रेंडली सिक्योर क्रिएट किया जाए। आगे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सोशल एम्पावरमेंट के, कि लोग, भारत देश कैसे सोशल एम्पावरमेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटली, ठीक है, डिजिटली कैसे सोशल एम्पावरमेंट। अभी ग्लोबल IT चैलेंज हुआ था, ऐसे यूथ, उसमें से 96 यूथ थे भारत से डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बहुत सारे इनके साथ साथ 18 कंट्री से ऐसे
लोग भी आए थे, टोटल 96 यूथ थे। तो इंडिया से, इंडोनेशिया से, चाइना से, वियतनाम से, मलेशिया, उनको क्या है अवार्ड भी दिया जा रहा था, कोई इनोवेशन जिसने किया है। तो एक तरह से भारत में उसने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एसोसिएशन ने ये कंसर्न उठाया और उनको एम्पावर किया। तो सोशल एम्पावरमेंट और सोशल इंक्लूजन का बेस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल सेवन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कोप एंड फ्यूचर इन इंडिया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमने देखा 2014 में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कितनी यूनिट खुली थी, 2 यूनिट की, जहां पर मोबाइल प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। 2017 तक वो कितनी हो गई, 2017-18 तक वो हो गई 127 यूनिट। तो क्या क्या स्कोप है, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 और पेपर 3 इकोनॉमी में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना जो इतना ज़्यादा इतनी इमर्जिंग इकोनॉमी है उसकी, वो एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के को, किसके बेसिस पर, बहुत सारी पॉलिसी उसने इम्प्लीमेंट की है, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। अब देखते हैं कि ओवर न्यू 120 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मतलब कम से कम 120 से ज़्यादा 127 तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप कर दी गई हैं लास्ट 3-4 सालों में, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4.5 लाख जॉब भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो स्कोप तो देखने को मिलता है, क्योंकि लार्जेस्ट वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडस्ट्री देखने को मिलती है। आगे कुछ ग्राफ दे रखा है मेंस आंसर रिप्रेजेंटेशन के लिए भी, कभी कभी आप क्या कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो ये क्या है, मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस। देखिए 2014 और 15 में इतना था, फिर 2017 और 18 तक वो कितना बढ़ा। उसके बाद इंपोर्ट ऑफ मोबाइल हैंडसेट, देखिए ये तो हमने बनाया, तो मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट डाटा फिगर्स इन करोड़ रुपये, ठीक है, 18,900 करोड़, फिर वही कितना 132,000 करोड़ तक पहुंच चुका था, ये तो अपने कंट्री में। बट अब इंपोर्ट कितना करा, देखिए धीरे धीरे घट रहे हैं, मतलब हम अपनी जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट करके अब लोगों से नहीं, दूसरे कंट्री से नहीं मंगाना पड़ रहा। देखिए ये बढ़ रहा है बट यहाँ पर इंपोर्ट घट रहा है, इंपोर्ट मतलब हम किसी कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना मंगा रहे हैं। आगे कुछ फैक्ट्स हैं मेंस के लिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, 120 फैक्ट्री सेटअप करी तो वो 4.5 लाख कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है। 140 फैक्ट्रीज हैं एम्प्लॉयमेंट, मोबाइल फ़ोन सैलॉन, यहाँ पर ये चाय चार्जर है, लैपटॉप हैं, टैब हैं, ये सब इसके थ्रू, एयरफोन्स हैं, ये सब चीज़ें मिल गई, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा आता है मेंस के लिए कि आपको अपने मेंस आंसर को और ज़्यादा इम्पैक्ट डालना है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो न्यूमेरिकल डाटा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बाय 2027 तक, इंडिया जो है ग्लोबल का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाने वाला है 2027 तक, तो बहुत अच्छी बात है ये। देखिए मोबाइल हैंडसेट इकोसिस्टम 2027 तक क्या चीज़ें होंगी वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो हैंडसेट है उसका प्रोडक्शन 1.2 बिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ये है, फिर एक्सपोर्ट इतना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट करेगी डायरेक्ट 5.6 मिलियन तक और इनडायरेक्ट 10 मिलियन तक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 2027 तक अचीव 40% ग्लोबल मार्केट शेयर 1.1 ट्रिलियन और 40% वैल्यू एडिशन वर्थ $400 बिलियन। तो कहीं ना कहीं 2022 तक इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो ये न्यूमेरिकल डाटा आप अपने मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, ओके। आगे है लास्ट आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या डिस्कस करता है, टेक्नोलॉजी एरियाज फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। अब देखिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट ज़्यादातर आप कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन में चलाते हैं तो आपको किस में देखने को मिलती है, इंग्लिश में देखने का। तो ये इंग्लिश एक लैंग्वेज जो है वो नेचुरल बैरियर बनने जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि लोग इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन लैंग्वेज को और रीजनल लैंग्वेज को हमने प्रमोट करना चाहिए टेक्नोलॉजी में। अभी हम एक एग्जांपल भी देंगे कि कौन सी कंट्री में ऐसा हुआ था, और ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 UPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मेंशन कर सकते हैं। तो यही है ई कंटेंट इन लैंग्वेजेस, जो अपने PDF मटेरियल्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग UPSC में भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग गुजराती में, कोंकणी में, ये सब देखने को मिलते हैं, तो उनके पास मटेरियल नहीं होते हैं पढ़ने के लिए। तो फैक्ट्स है मेंस का,
देखिए इंडिया का जो लैंग्वेज है ट्रांसलेट किया जा रहा है अभी इंडियन लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है इलिटरेट और ब्लाइंड पीपल के लिए कि टेक्स्ट होगा तो उसको स्पीच सुन सकते हैं, वो स्पीच टू टेक्स्ट है। दूसरा इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसको इंडियन लैंग्वेज से और कन्वर्ट भी किया जा सकता है और कन्वर्ट भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों क्रिएट करना है जो ई कंटेंट को अपने इंडियन लैंग्वेज में, मतलब जो इंटरनेट में आप सर्फ करते हैं देखने को मिलते हैं जितने ब्लॉग हैं आर्टिकल्स हैं वो जनरली इंग्लिश में होते हैं, तो क्यों ज़रूरी है ऐसा। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये योजना में मेंशन है कि देखिए जर्मन के जो यूथ हुआ करते थे उनको जब वो इंटरनेट सर्फ करते थे तो वो लोग क्या करते थे, जब सर्फ करते थे तो वो उनको जितने भी कंटेंट है वो इंडिया में ही इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते थे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में मिलने के साथ साथ वो शिफ्ट हो रहे थे, अपना उनका जो मेजर यूथ स्विच कर रहा था इंग्लिश की तरफ, तो वो जर्मन एक तरह से भूलते जा रहे थे। तो इससे इंटरनेट जो है कल्चरली इम्पैक्ट डाल रहा है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है रीजनल कंट्री लैंग्वेज है उसको भूल रहे हैं और इंग्लिश की तरफ स्विच कर रहे हैं, तो एक तरह से कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इसके बेसिस पर हमने ई कंटेंट बढ़ाना चाहिए इंडियन लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में। उसके बाद लोकलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए कि जो कंटेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज में उसको रीजन लैंग्वेज में भी बिल्ट करना चाहिए, जो फ़ोन में और कीबोर्ड में। जैसे एग्जांपल आता है कि आप अभी कीपैड खोलेंगे तो अपने फ़ोन का तो उसमें इंग्लिश ए बी सी डी आपको देखने को मिलेंगे, ये नहीं कि रीजनल लैंग्वेज में मराठी या गुजराती के वर्ड देखने को मिलते हैं। बट इसका भी अभी हम सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फ़ोन में ये कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी फ़ोन में है जैसे कंटेंट अवेलेबल इन 11 इंडियन लैंग्वेजेज, चाहे मराठी गुजराती कोंकणी जितनी भी चीज़ें हैं ऐसा ऐसे फ़ोन में हर जगह ये आने चाहिए ताकि कल्चरली इम्पैक्ट ना पड़े और इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो मेन्स के लिए ऐप जैसे भीम ऐप आपको पता ही है, तो पेमेंट के लिए है, तो इस भीम ऐप में भी 13 लैंग्वेजेज अब यूज की जा रही हैं। पहले इंग्लिश ही थी कि लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, तो 13 लैंग्वेजेज इस भीम ऐप में भी देखने को मिलती हैं। सम अदर फैक्टर्स जो योजना से जो मैंने लिए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया कैसे बनाई जानी चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी अभी ई कंटेंट से ही ऊपर वाले जो आर्टिकल से ही जुड़ा हुआ है तो इसको मैंने इसमें जोड़ दिया। तो क्या होता है लोगों के पास क्या होता है, कभी बुक्स फिजिकली वो फट जाती हैं, बट क्या होता है ई कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है इंटरनेट में अपने हर पीडीएफ मटेरियल, तो डिजिटल लाइब्रेरी अभी भारत सरकार प्रमोट करने की बात कर रही है, ठीक है। तो उस डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी देखिए आपको ये मिल जाता है, NCERT आपको PDF मिल रही है, तो एक तरह से वो डिजिटल लाइब्रेरी का काम कर रही है। तो उमंग ऐप जैसे मैंने पहले आर्टिकल में दिखा चुका हूँ पूरा, उससे आप एक्सेस कर चुके हैं। तो ये हमने योजना का पूरा डिस्कशन कर लिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।